भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स, तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। म्यांमार में 1 फरवरी के बाद से लगातार सैन्य शासन का विरोध कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई की गई। प्रदर्शन में हताहत हुए लोगों का रिकॉर्ड रखने वाले संगठन असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने बताया कि 1 फरवरी को तख्तापलट के बाद से अब तक प्रदर्शनकारियों पर सैन्य कार्रवाई में कम से कम 614 लोगों के मारे जाने की खबर है। देश के उत्तर में कैले और तजे कस्बों में बुधवार को प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई में 11 लोगों की मौत की खबर है और इन सब में अब चीन की हुकूमत का हाथ सामने आ रहा है। मतलब कि म्यांमार के लोगों के खिलाफ क्रूर हुई म्यांमार सेना को अब चीन की हुकूमत का साथ मिल रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के शीर्ष राजनयिक कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि म्यांमार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर चीन अड़ंगा लगा रहा है। दरअसल प्रदर्शनकारियों की निगरानी करने के लिए म्यांमार की सेना चीन के ड्रोनों का इस्तेमाल कर रही है। इसकी जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है। मार्च महीने में भी मांडले शहर में ये चीनी ड्रोन देखे गए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक तस्वीरों में 2 तरह के ड्रोन दिखाई दे रहे थे। ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते दिख रहे थे। इन ड्रोनों की आवाज मांडले के लोगों को सुनाई दे रही थी। मांडले शहर में नागरिक सैन्य तख्तापलट के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। मांडले म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एक चीनी निर्मित CS-3A ड्रोन है। इस ड्रोन का विकास चीन ने किया है। चीन ने 10 से 12 ड्रोन म्यांमार को दिए थे। इन ड्रोनों का इस्तेमाल म्यांमार की वायुसेना कर रही है। जो चीनी ड्रोन म्यांमार की सेवा प्रदर्शनकारियों की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, उनका इस्तेमाल आमतौर पर सेना निगरानी रखने के लिए करती है, जो तस्वीरें लेने और डाटा को एकत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों से सेना अपनी योजनाओं को अंजाम तक पहुँचाती है। इसके अलावा किसी भी विद्रोही समूह या आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाना आसान हो जाता है। इस ड्रोन के जरिए सेना ये भी पता लगाती है कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सैन्य बल की जरूरत है या नहीं। इसके जरिए प्रदर्शनकारियों को भयभीत करती है। और इसी ड्रोन का इस्तेमाल मांडले में जमीनी हकीकत जानने के लिए हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।